नहीं इंशाल्लाह। मैं आजाद साहब कने गए तो एक मशवरा दिए, एक मिनट भाई, अगर एक राक्षस आधी रात को सब सो गए जब देखकर राज में घुस के लोगों का पूरा लूटना मारना खत्म करना जनता के खून पीना ये सब सारे वो राज को लूटने में लग गए उन्होंने। फिर दो महीने तक वो दिखता ही नहीं, दो महीने फिर पहरा पूरा पहरा कर करके अगर ऐसे अपन सो गए तो फिर दोबारा वो राक्षस आ रहे। तो राजा ने ये किया, पूरे नौजवान बंदों को पूरा तैयारी करे, पूरा अलर्ट किए। दो महीने के बाद फिर आया राक्षस, ये सब लोग मिलकर राक्षस को पकड़ लिए, झाड़ को बांध दिए, पैर का पर तोड़ दिया, हाथ का हाथ तोड़ दिए, गल्ला काट दिए, सब काट दिए, फिर भी वो नहीं मर रहा। कुछ समझ में नहीं आया राज को, अरे राक्षस को तो हम पकड़ लिए, झाड़ू को बांध दिए, उनका पैर काट दिए, हाथ तोड़ दिए, गल्ला काट दिए, सब का किए, मगर वो तो मर रहा नहीं। तो वो गया हिमालय, एक पंडित जी से मिले। पंडित जी को पूछा कि भाई मेरा राज में ऐसा हो जा रहा है, एक राक्षस ने पूरा मेरा राज को सत्यानाश कर दे रहे, मैं क्या करना। तो वो पूरा जन्म कुंडली देखा राक्षस का। तब वो पंडित जी ने ये कहा, राजा उनको हाथ काटो, पैर काटो, दिल तोड़ो, गर्दन तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, वो क्या करना। तो वो पूरा जन्म कुंडली देखा राक्षस का। तब वो पंडित जी ने ये कहा, राजा उनको हाथ काटो, पैर काटो, दिल तोड़ो, गर्दन तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, वो मरने वाले नहीं है, उनका जान है तोते में, वो तोते है सात समुंदर के पार खाए छुपा के रखा, अगर कोई राक्षस को मारना है तो तोते को मारो। वो सुन लिया आगे, राक्षस का नहीं गया, महाराजा सीधा सीधा उनके नौजवान लड़कों को बोले, सात समुंदर के पार आगे तोता है, तोता को मार दिए तो काम हो जाएगा। ये बंदे सब लोग गए, तोते को उठा के राज में लाए, तब सबके सामने एक एक हाथ पैर ये वो, बाद में गल्ला भी दबा दिए, राक्षस तो मर गए। तो तोते को पकड़ना, अभी मोदी राक्षस है, मोदी का जान तोते में है, वो तोता है कैसे आना। अगर आप लोगों को मोदी को मारना है, गद्दे से उतारना है तो तोते को मारो, तोता है केसीआर है नहीं, आप समझ रहे। कार को ओढ़ डाल रहे, मगर कार हैदराबाद गली से निकलकर दिल्ली जाने के बाद मोदी घर में घुस रहे लोग। कांग्रेस पार्टी पहले दस्तखत लाल बहादुर स्टेडियम में बनाएंगे अपने सरकार, सबके सामने 4 करोड़ लोगों के सामने ये दस्तखत होगा कांग्रेस पार्टी के ओर से, कोई भी बने चीफ मिनिस्टर, मगर मैं इसका जवाबदारी मैं बनता हूं, कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के सदर होते हुए वो मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने का सब पार्टी निर्णय करेगा, मगर अभी मैं जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूं। ये जो माइनॉरिटी स्पेशल बजट में लगाने का और वक्फ बोर्ड के जो जुडिशियल पावर्स दे के आपको जो भी प्रॉपर्टी से बचाने का और माइनॉरिटी तरक्की के लिए मैं जिम्मेदारी उठाता हूं। आपके भाई समझकर, आपके दोस्त समझकर, आपके साथी समझकर आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ कदम कदम आगे चलो, ये सब काम करने का जिम्मेदार मैं उठाता हूँ यहाँ से। और हमारे जग्गू दादा तो आपको पता है ना, जग्गा रेड्डी साहब ने इमरान प्रताप गढ़ी के शाने वाले अच्छा जलसा, पूरा 5 लाख के जलसा बनाने वाले हैं, वजन हमारे जग्गू दादा उठाने वाले हैं। हम लोग सब एक बार हाथ उठा के उनको मदद देना है। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। घर को पहुंचाना, दिल को पहुंचाना, हर दिल को जागरना, हर आदमी को जाकर आने वाले चुनाव में
कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो मुसलमान भाइयों का तरक्की बनेगा। उनके पढ़ाई लिखने के लिए जो 2 लाख नौकरियां खाली पड़ा हुआ है, 10-12% मुसलमान भाइयों को नौकरी मिले तो 20-25 हजार नौकरियां मिलती। 20-25 हजार अपने लड़की लड़कों को अगर नौकरी मिला, मैं शबीर भाई को और यहाँ एसओ वाले को याद दिलाना चाहता हूँ, श्रीशैलम में जो पावर हाउस जल गए ना, एक मुसलमान लड़की वो पावर हाउस में शहीद हो गए, तो उनके परिवार को हम लोग अच्छा बुरे पूछने के लिए उनके परिवार को मिलने को गए। उनके वाली साहब ने ये कहा, साहब अल्लाह मियां तो लेके गए मगर मेरा लड़की जो इंजीनियरिंग पढ़ी नौकरी मिली कांग्रेस की वजह से, 4% आप रिजर्वेशन देने की वजह से है मेरे घर में दुख, फिर भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, मेरा लड़की इंजीनियरिंग फीस रिएम्बर्समेंट के साथ रिजर्वेशन के साथ पढ़ी, मेरा बेटी इंजीनियर बनी कांग्रेस की वजह से, नौकरी मिली कांग्रेस की वजह से, मगर केसीआर के वजह से मेरे लड़की का जान चला गया। हम तरक्की के लिए काम किए तो केसीआर साहब ने अपने जान लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मजहब को टुकड़े तो घर भी जाना है। मेरे कोई दुश्मन नहीं है किसी से, वो मेरा दुश्मन नहीं है, अपना ही भाई है, अपने परिवार के है, मगर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बस उतना ही। बिगड़ा हुआ भाई को फिर घर पे ला लेना, क्योंकि वो अपना ही है, कुछ भी हो 2-4 थप्पड़ मारना फिर घर पे ला लेना, होता ही है नहीं। अपने छोटे भाई अगर, अपने बड़े भाई अगर कोई कुछ 19-20 किए तो शबीर भाई जैसे बड़े लोग, बड़े नेता लोग बिठा के हम लोग आपस में लड़ लिए, मैं अगर अजमत लड़ लिए समझो, शबीर भाई जैसे बड़े आदमी बुला के, अरे ऐसे नहीं करना, नहीं नहीं ऐसा बोल के समझा के चलाने के लिए, घर चलाने के लिए बोल देते। अब इसीलिए मैं सोहेल भाई को ये गुजारिश करना चाहता हूँ इस मंच पे, बहुत शानदार, बहुत दिन के बाद हैदराबाद शहर में कांग्रेस पार्टी और माइनॉरिटी भाइयों का आवाज सुनाने के लिए मौका दिए, ये मौका यहीं छोड़ने का नहीं है, हर जिले में जाना, वो आवाज ऐसे पहुंचाना, हर गली में हर गरीब घर को पहुंचाना, दिल को पहुंचाना, हर दिल को जागरना, हर आदमी को जाकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो मुसलमान भाइयों का तरक्की बनेगा। उनके पढ़ाई लिखने के लिए जो 2 लाख नौकरियां खाली पड़ा हुआ है, 10-12% मुसलमान भाइयों को नौकरी मिले तो 20%